Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है निखिल, ये है मेरा भाई अभिषेक. हेलो. और भाई आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर मूवी के ट्रेलर पर. बिल्कुल. और हमें इस मूवी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि इसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया हुआ है. हमने फाइंड करने की कोशिश की इंटरनेट पे, काफी इन्फॉर्मेशन कुछ खास मिला नहीं हमको इसके बारे में, ना ही हमको पता चला इसका लीड एक्टर कौन है. तो भाई सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बाद में बात करेंगे. जय हिंद. देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ ही रहते हैं. पेश है सरगम द जोकर. माँ मैं बड़ा हूँगा ना तो तेरे से ही शादी करूंगा. ये लो कॉन्डम. ये लो कॉन्डम. किसे दिया? ईवा मैडम ने बोला बांट दो. प्रसाद जो बांट दो. अरे जिसके पास बिल्डिंग होती है ना वो. हाँ वो बड़ी बड़ी टॉयलेट धोते नहीं है, पोछते हैं. मैं सरगम का बेटा कन्हैया, आप मुझे प्यार से कनु बुला सकते हैं. हमारा काम हो जाएगा? देखिए मैं सिर्फ चिट्ठी रिसीव कर सकता हूँ, बाकी तो सिस्टम के हाथ में. वो काम लेंगे. कौन? मिस्टर सिस्टम. आप तो देश के प्रधानमंत्री है, आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? मेरी एक अर्जी सुन लो जरा. बोल मैं गंदे काम नहीं करूंगा. माफी मांग. तेरे साथ रेप हुआ है, मैं क्यों माफी मांगू? इससे बोल तेरे से माफी मांगे. छोड़, मैं नहीं माफी मांगूंगा इससे. मांगने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, और वो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है. कौन? गांधी जी. गांधी? गांधी गांधी और बैठी ये. भाई 15 मार्च को रिलीज होने वाली है और मुझे बीच में इमोशनल कर दिया, बीच में हंसा रहे हैं. मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या हो रहा है. बीच में हंसी आ रही है और बीच में इमोशनल भी कर दिया इन्होंने. वो सबसे ज्यादा सीधा सीन लगा जहाँ पे वो बोलती है चैन से हगड़े भी देते. और वो एग्जैक्टली उस सीन के बाद था जो बड़ा इमोशनल था. पहले इमोशनल सीन था और अचानक से वो सीन आ गया. तो भाई कुछ खास हमें पता नहीं चला इसके बारे में. इतना पता है कि यार स्टोरी थोड़ी इमोशनल टाइप होने वाली है. इमोशनल भी होने वाली है, फनी भी होने वाली है. भाई इसमें पहले उसकी मम्मी के साथ रेप हो जाता है और शायद इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है क्योंकि वो इंसाफ मांग रहा होता है. तो काफी इमोशनल होने वाली है. और सेम ऐसी ही स्टोरी थी माय नेम इज खान की, मतलब रिलेट करती है इससे. रिलेट करती है थोड़ी सी, रिलेट करती है क्योंकि उसमें भी वो इंसाफ के लिए गया था. क्योंकि मतलब मुसलमानों के खिलाफ जो भी मतलब उस वक्त हुआ था 26/11 के बाद वाले हादसे के बाद ये सब हुआ था. तो वो गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और यहाँ पे ये जा रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए. तो भाई देखना इंटरेस्टिंग होगी. और माय नेम इज खान एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे रुला दिया था. ये मूवी देखते हैं रुला पाते हैं. और स्त्री मूवी ने इसको डरा दिया था. हाँ तो चलो भाई कैसी लगी आपको वीडियो. और भाई न्यू सॉन्ग जो है किसी के भी ऊपर है, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर है या करण ओजला के ऊपर है, उनको कमेंट बॉक्स में बताओ. लेकिन दोनों सॉन्ग्स इकट्ठे बताया करो क्योंकि अलग अलग सॉन्ग जब आते हैं तो हमको फिर उसमें पता चलता है कि हम इस पे किस पे रिएक्ट करें. हम वर्सेस वाले पे ज्यादा रिएक्ट करना उस पे. वर्सेस वाले का ये होता है कि हमको पता चलता है कि क्या बोलना है और कंपेरिजन कर लेते हैं. कंपेरिजन हो जाता है.
तो भाई ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, बुरी लगी तो कमेंट करके हमें बता दो, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।